भाइयों बहनों, 2014 से 19 पांच साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया। अनेक चीजें ऐसी थी, सामान्य मानवी अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए जूझता था। हमने पांच साल लगातार प्रयास किया कि हमारे नागरिकों की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, खास करके गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की, उन पर बल देने का हमने प्रयास किया और गाड़ी को हम ट्रैक पर लाए और उस दिशा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वक्त बदलता है। अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के माल का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है। और इसलिए 21वीं सदी का भारत कैसा हो, कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले पांच साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। 2014 में मैं देश के लिए नया था। 2013-14 में चुनाव के पूर्व मैं भारत भ्रमण करके मैं देशवासियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक निराशा थी, एक आशंका थी। लोग सोचते थे, क्या ये देश बदल सकता है, क्या सरकारें बदलने से देश बदल जाएगा। एक निराशा जन सामान्य के मन में घर कर गई थी। लंबे कालखंड के अनुभव का यह परिणाम था। आशाएं लंबी टिकती नहीं थी, पल दो पल में आशा और निराशा के गर्त में डूब जाती थी। लेकिन जब 2019 में पांच साल के कठोर परिश्रम के बाद जन सामान्य के लिए एकमात्र समर्पण भाव के साथ दिल दिमाग में सिर पर सिर्फ मेरा देश, दिल दिमाग में सर पर सिर्फ मेरे देश के करोड़ों देशवासी, इस भावना को लेकर के चलते रहे, पल पल उसी के लिए खपाते रहे। और जब 2019 में गए, मैं हैरान था। देशवासियों का मिजाज बदल चुका था, निराशा आशा में बदल चुकी थी, सपने संकल्पों से जुड़ चुके थे, सिद्धि सामने नजर आ रही थी और सामान्य मानवी का एक ही स्वर था, हां मेरा देश बदल सकता। सामान्य मानवी की एक ही गूंज थी, हां हम भी देश बदल सकते हैं, हम पीछे नहीं रह सकते हैं। 130 करोड़ नागरिकों के चेहरे के ये भाव, भावनाओं की ये गुंज हमें नई ताकत, नया विश्वास देती थी। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चले थे, लेकिन पांच साल के भीतर भीतर ही देशवासियों ने सबके विश्वास, सबका विश्वास के रंग से पूरे माहौल को रंग दिया। ये सबका विश्वास ही पांच साल में पैदा हुआ, जो हमें आने वाले दिनों में और अधिक सामर्थ्य के साथ देशवासियों की सेवा करने का, इस चुनाव में मैंने देखा था और मैंने उस समय भी कहा था, न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था, न कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था, न मोदी चुनाव लड़ रहा था,
न मोदी के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे, देश की जाम आदमी जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी। 130 करोड़ देशवासी चुनाव लड़ रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। लोकतंत्र का सही स्वरूप इस चुनाव में नजर आ रहा था।